अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक्निकल फन वर्क शाम दीता। आज के वीडियो टॉपिक का हमारे पास X96Q का ये जो है टीवी कार्ड है, ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम एलसीडी के साथ अटैच करके इसको एज अ इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी है 2 GB रैम है और 16 GB इसकी रोम है, मेमोरी है जिसकी इसका, ठीक है। तो इसको इस तरह से ओपन करना है, साइडों से इसके पेज वगैरह कोई भी नहीं लगे, ठीक है। तो मैं इसको खोल के आपको अंदर वाली साइड से दिखा देता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ किस तरह इसको रीसेट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये इसकी बैक है और ये इसका पूरा जो है बोर्ड है, ठीक है। आपको सामने नज़र आ रहा होगा सारे IC वगैरह जो लगे हुए हैं, ठीक है। USB जैकेट, कार्ड जैकेट और इसके जो है पिन वगैरह पीछे लगी हुई हैं। HDMI केबल इसके साथ अटैच होती है। ये इसको पावर लगाते हैं और इसकी आगे सेंसर लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। ये वाला आपको नज़र आ रहा है छोटा सा बटन लगा हुआ है, इसको आप प्रेस करके इसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको रीसेट कैसे करना है, इसको रीसेट आपने इस तरह करना है कि आपने अपनी LCD के साथ अटैच करना है, HDMI केबल लगानी है और पावर लगानी है और इसको जो है पावर जो बटन मैंने आपको दिखाया छोटा सा, इसको प्रेस करके रखना है, ठीक है। आपकी LED पे जो है मेन्यू शो हो जाएगा, वहाँ से आपने जैसे एंड्रॉयड फ़ोन को रीसेट करते हैं वैसे ही इसको रीसेट कर लेना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाली लाइट के पॉइंट है, मैं इसको यहाँ से ऑन करके देखता हूँ विदाउट उसके रिमोट के। तो ये मेरे ख्याल से नहीं होगा, यहाँ से इसका सेंसर वगैरह जो वर्क नहीं करेगा, ये रिमोट से ही वर्क करेगा। इसके अलावा इसके ऊपर कोई बटन ऐसा नहीं दिया गया जिससे आप इसकी इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।